है, बारटेंडर का रोल क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉकटेल एंड मॉकटेल। कॉकटेल एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ मेकिंग ड्रिंक्स। ऐसे बहुत सारे मेथड है जो एक कॉकटेल बनाने पे अप्लाई करना पड़ता है। कॉकटेल एक अद्भुत चीज है, तो जिसके लिए एक बारटेंडर को सीखना पड़ता है बहुत कुछ। अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन है तो ये मेरा वीडियो पूरा देखे, व्हाट इज कॉकटेल एंड व्हाट इज मॉकटेल, आपको पूरा समझ में आए। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये समझा रहा था कॉकटेल एक आर्ट है, इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ड्रिंक्स। तो कॉकटेल के बारे में डेफिनेशन ये है कि कॉकटेल इज ए पोर्टेबल अल्कोहलिक बेवरेज विद मेड विथ स्पिरिट एंड स्पिरिट्स। इट मिक्स विथ समटाइम एरिटेड वाटर्स, समटाइम मिल्क प्रोडक्ट्स, समटाइम जूसेस। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्टेबल बेवरेज है और इसे हम अल्कोहलिक ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जिसके साथ आप एक या उससे ज्यादा अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं, लाइक स्पिरिट्स, विस्की, वोडका, रम, जिन, टकीला, वाइन, आप कुछ भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पीना भी पसंद करते हैं, कभी कभी वाटर के साथ पीना पसंद करते हैं, कभी कभी जूस के साथ पीना पसंद करते हैं, तो कभी कभी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट के साथ भी पीना पसंद करते हैं। कॉकटेल इज एन एल्कोहलिक बेवरेज, इसमें जो एल्कोहल की मात्रा होती है वो ml के हिसाब से लिया जाता है और इसमें जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक या मिल्क प्रोडक्ट ऐड करके एक बेहतरीन कॉकटेल रेडी हो जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि मॉकटेल क्या होता है। देयर इज नो अल्कोहल एट ऑल, मॉकटेल में कोई अल्कोहल नहीं होता। हालांकि दोनों सेम बनता है, सेम रेसिपीज होती है, बट मॉकटेल में कोई अल्कोहल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड मॉकटेल। तो फ्रेंड्स, कॉकटेल मेकिंग एक आर्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कॉकटेल इज मेकिंग ऑफ आर्ट ऑफ ड्रिंक्स। तो जब भी कोई भी गेस्ट आपके बार पे आता है, आपसे कॉकटेल का ऑर्डर करता है, तो उसे कॉकटेल के बारे में पता होता है, तभी जाके ही वो कॉकटेल के बारे में ऑर्डर करता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जब भी आपके बार में कोई लड़का या लड़की आती है, आपसे कोई कॉकटेल ऑर्डर करती है, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होता है कॉकटेल के बारे में, तभी जाके वो आपके यहाँ पे आके कॉकटेल ऑर्डर करती है। तो आपके लिए कॉकटेल बारटेंडर या असिस्टेंट बारटेंडर भी बना सकता है। उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कॉकटेल बनाते वक्त, जैसे कि कॉकटेल का ग्लास कौन सा हो, उसका गार्निशिंग कैसा होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, और वो दिखने में कितना सुंदर दिख सकता है, और उसे हाइजीनिक तरीके से भी बनाना बहुत जरूरी होता है। तो कॉकटेल बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हर किसी बारटेंडर को अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि होता है बिल्डअप, स्टर, शेकन, ब्लेंडिंग। ये सारे मेथड्स हर कोई बारटेंडर अप्लाई करता है, तब जाके एक बेहतरीन कॉकटेल को बनाता है आपके लिए। तो अब हम जानेंगे कॉकटेल फैमिलीज के बारे में। तो कॉकटेल फैमिली में जैसे आते हैं फ्रोजन, टेडी, फीस, डिजी, कॉलिन एक्सेट्रा, ये सब सारे कॉकटेल फैमिलीज में आते हैं। एक बारटेंडर को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब डालनी है ड्रिंक में, जिससे कॉकटेल का कलर भी बेहतर लगे और वो कलरफुल भी दिखे और उसका टेस्ट भी अच्छा है। इसीलिए ये एक आर्ट होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एक शेफ को ही पता होता है कि कौन सी डिश कैसे बनाई जाती है, ये भी वैसे ही सेम होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट बारटेंडर और बारटेंडर। बारटेंडर किसे बोलते हैं और असिस्टेंट बारटेंडर किसे बोलते हैं। असिस्टेंट बारटेंडर उसे बोलेंगे जो भी बार में सीख रहा है, जो आगे चल के एक बेहतरीन बारटेंडर बनेगा, और बारटेंडर उसे बोलेंगे जिसने पूरा बारटेंडिंग कोर्स किया है, उसके बाद बहुत सारे नॉलेज। अब हम बात करेंगे एक बारटेंडर के बारे में। बारटेंडर वो होता है जिसने बहुत सारी चीज सीखा होता है, बहुत सारा उसके पास नॉलेज होता है, उसे ये भी पता होता है कि बार में पर डे का सेल क्या होता है, वीकेंड में कितना सेल होता है, वीक ऑफ में लोग कितना ड्रिंक करते हैं कितना नहीं। उसे मीजा का पता होता है कि एक बारटेंडर को पता होता है उसके बार में कितना मीजा यूज होता है, कितना बियर सीलिंग में डालना है, कितना उसे स्टॉक मेंटेन करके रखना है, ये सब एक बारटेंडर को बहुत जरूरी होता है पता होना। तो एक बारटेंडर आपको जरूर सजेशन देगा कि आपको कौन सा ड्रिंक किसके साथ पीना है, लाइक वोडका, व्हिस्की, रम, जिन, टकीला, वाइन। आपको किसी के साथ भी बारटेंडर कॉकटेल एक बेहतरीन कॉकटेल बना के दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल इन्वेंशन किसने किया। कॉकटेल और मॉकटेल इन्वेंशन के अंदर जेरी थॉमस नाम का एक बंदा था, उसने इन्वेंशन किया था और उन्होंने हमको सिखाया था कि बेरिंग क्या होती है, कॉकटेल कैसे बनाते हैं, फेयर कैसा करते हैं,
उनकी वजह से ही हम अभी कॉकटेल और मॉकटेल बना पा रहे हैं। अगर आप एक बारटेंडर हो या बार्टेनिंग सीखने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉकटेल, क्लासिक कॉकटेल एंड इनोवेटिव कॉकटेल। क्लासिक कॉकटेल उसे बोलेंगे जिसका रेसिपी कभी चेंज नहीं होता है, जो अभी तक क्लासिक में चलते ही आ रहे हैं, उसे हम कभी नहीं बदल सकते, इवन उसके गार्निश से लेकर ग्लास तक। और इनोवेटिव कॉकटेल उसे बोलेंगे जो हम खुद रेडी करते, जो हमारे खुद की रेसिपी रहती है, जो एक बारटेंडर अपनी लाइफ में एक बार तो एक बार अपना खुद का इनोवेटिव कॉकटेल बना ही सकता है। इनोवेटिव कॉकटेल वो होता है जो आपके लिए कोई भी बारटेंडर बना सकता है, आप उसे आपका टेस्ट के हिसाब से बताओ, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वो आपके लिए वैसे ही कॉकटेल बनाएंगे। जैसे कि आपको मोहितो पीना है, बट मोहितो में रम की जगह आपको वोडका ऐड करना है, तो ये हो गया इनोवेटिव कॉकटेल। ये आपको एक बारटेंडर बना के तो देगा, बट ये क्लासिक में काउंट नहीं होगा, ये हो जाएगा इनोवेटिव कॉकटेल। इनोवेटिव कॉकटेल जो होता है वो बहुत सारे इन्वेंशन होते रहते हैं, क्योंकि हर एक बारटेंडर अपना खुद का इनोवेटिव कॉकटेल बनाता ही है, और जिसका टेस्ट सबको पसंद आने लगे वो आगे चल के क्लासिक में बदल जाता है, और उसका हम क्लासिक कॉकटेल में शामिल कर लेते हैं। एक चीज मैं बारटेंडर को बताना ही चाहूंगा कि जब भी आप कॉकटेल बनाए तो बॉटल का जो ब्रांडिंग होता है वो हमेशा गेस्ट को दिखना ही चाहिए, और जो बॉटल का कैप होता है वो ऑलवेज आपके हैंड में ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बॉटल का फेस बैक साइड में कर देते, तो उससे गेस्ट को समझ में नहीं आता कि बॉटल आप कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हो। तो आपका जो ब्रांड होता है वो हमेशा गेस्ट को दिखना ही चाहिए, और बॉटल का जो कैप होता है वो आपके हाथ में ही होना चाहिए। जैसे ही आपने बॉटल पोर किया, कैप लगाओ और अपनी जगह पे रख दो। बॉटल का कैप हमेशा हाथ में क्यों रखना चाहिए? बॉटल का कैप हमेशा हाथ में इसलिए रखना चाहिए, हैंड में अपने फिंगर्स में, बिकॉज क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत रश होता है, अगर आप कैप यहाँ पे रख दो, अगर बॉटल को ऐसे छोड़ दोगे रैकेट में तो आपका एल्कोहल भी गिर सकता है, जो कि बहुत कॉस्टली आता है और बहुत टाइम लगता है उसे बनने में। इसलिए बॉटल का कैप हमेशा हाथ में ही रखिए, ताकि जैसे आपने पोर किया, बॉटल कैप लगाया और अपनी प्लेस किया। कॉकटेल बनाने समय ऑलवेज याद रखना है कि बेस हमें पहले ही याद रखना है, उसके हिसाब से ही कॉकटेल बनाया जाता है। और उससे पहले आपको ग्लास में चॉइस कर लेना है कि आपको कौन से ग्लास में कॉकटेल देना है, तो उसके हिसाब से आपको अल्कोहल ऐड करना है, उसके हिसाब से जूसेस ऐड करने हैं, उसके हिसाब से प्रीमिक्स ऐड करना है, तो उसके हिसाब से आपको ऐड करने के बाद ही कॉकटेल बनाइए, तभी आपका जाके कॉकटेल बेहतरीन बन सकता है। तो आपको ऑलवेज ध्यान देना है कि अल्कोहल का रेशियो कॉकटेल का रेशियो पे आपको हमेशा ध्यान देना है। रेशियो का मतलब क्या होता है? जो अल्कोहल का रेशियो होता है उसको हम रेशियो बोलेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप अल्कोहल 60 ml डाले और जूसेस उसमें उससे ज्यादा पोर कर दे, तो उसमें अल्कोहल खो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अल्कोहल कहाँ गया। तो ऐसा कॉकटेल बने जिसमें अल्कोहल का भी टेस्ट हो, जिसमें प्रीमिक्स का भी टेस्ट है, जिसमें जूसेस का भी टेस्ट है, तो उसे हम एक परफेक्ट कॉकटेल बोलेंगे। जब भी आप कोई इनोवेटिव ड्रिंक बना रहे हो तो उसके साथ में कौन सा स्पिरिट ले रहे हो, तो उसके हिसाब से जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आपको चॉइस करने हैं। ऐसा ना हो जाए कि अल्कोहल आप डालोगे कोई और, जूसेस कोई और डालोगे, तो उसमें कोई भी मजा नहीं आएगा कॉकटेल का। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी अल्कोहल यूज कर रहे हो तो उसके साथ में जो मैच होता है वही जूसेस ऐड कीजिए, वही सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कीजिए, तो इससे आपका कॉकटेल बहुत बेहतरीन बनेगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। कॉकटेल में आप जो जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो, जो जो आप कॉकटेल में यूज कर रहे हो उसका हर एक का फ्लेवर आना बहुत जरूरी है, तभी उसे हम एक परफेक्टली कॉकटेल बोलेंगे। एंड द लास्ट वन इज, आपको गार्निश पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि गार्निश जो है आपका कॉकटेल का आधा परसेंटेज कवर करता है। आपको गार्निश बहुत अच्छे से लगाना है और आपको ग्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से छीट करके उसमें कॉकटेल पोर करना है। ये दो चीज पे आपको हमेशा ध्यान देना है, तभी आपका कॉकटेल बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। अगर आपको अच्छा लगा ये मेरा वीडियो, जरा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाता रहेगा, तो प्लीज सपोर्ट मी।